हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ सी ब्रेक पॉइंट कारवार में और मेरे पीछे आप देख सकते हो कारवार पोर्ट। सी ब्रेक पॉइंट कारवार मेन सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे जाते वक्त बैतकुल बीच का एक खूबसूरत नज़ारा भी देखने के लिए मिलेगा। इससे ही थोड़ी दूर पे एक कारवार पोर्ट जहाँ पे कार्गो शिप आके रुकती है। अब हम पास कर रहे हैं कारवार फिशिंग शिपयार्ड जहाँ पे बहुत सारी फिशिंग बोट्स आके रुकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये कारवार पोर्ट है और यहाँ पे कार्गो शिप आके रुकती है। अभी यहाँ पे कोई शिप रुकी नहीं है। जब यहाँ पे कार्गो शिप आती है तो ये छोटे शिप उनको गाइड करती है यहाँ पे आने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोस्टल गार्ड है। सो फाइनली अब हम आ गए हैं हमारे सी ब्रेक पॉइंट पे। यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत सारी फिशिंग बोट देखने के लिए मिलेंगे। ये वाटर ब्रेकर का काम रहता है कि समुंदर की जो तीव्र लहरें आती है उसको ब्रेक करे, ताकि पीछे जो पोर्ट है वहाँ पे जो शिप आती है उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, इसलिए ये ब्रेकर बनाया जाता है। यहाँ पे पत्थरों के ऊपर चढ़ते वक्त अपने मोबाइल्स को और अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ध्यान से, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पर गिर गया तो मिलने का मुश्किल है। पत्थरों के बीच बहुत ही गैप है। जैसे कि आप देख रहे हो इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में बहुत बड़ा गैप है और एक बार यहाँ पे कुछ चीज़ गिर गई तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। शाम के टाइम पे आने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। शाम के टाइम पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ आने के लिए, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी बोट देखने के लिए मिलेगा। जो भी बोट है फिशिंग के लिए जो भी बोट जाती है वो अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे निकल आती है। यहाँ पे कारवार बंदर भी आप देख सकते हो, कारवार पोर्ट, और यहाँ से सनसेट पॉइंट भी आप देख सकते हो मेरे पीछे। यहाँ पे आएंगे तो पानी के पास मत जाएगा, यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ही डीप है। सनसेट व्यू कुछ इस प्रकार का दिखता है यहाँ से। यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत ही ठंडी हवा बहती है और इसका मज़ा लेने में बहुत ही अच्छा लगता है। सनसेट होने के बाद यहाँ पे कोई रुकते नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना।